नमस्कार दोस्तों, फैट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि भारत में इतनी जिंक डिफिशियंसी क्यों है, इस जिंक डिफिशियंसी का हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है और हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार अमेरिका में जिंक डिफिशियंसी बहुत ही कम लोगों में देखी गई है, परंतु हमारे भारत में ये एक प्रमुख समस्या है। जिंक डिफिशियंसी खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों में पाई गई है। मानव शरीर के लिए जिंक अति आवश्यक है। जिंक हमारे शरीर में हजारों एंजाइम्स की सहायता करता है। जिंक हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य में भी लाभदायक है। जिंक एक व्यक्ति के विकास का समर्थन भी करता है। जिंक डिफिशियंसी के कारण हमें अनेकों अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि डायरिया, त्वचा क्षति, एनर्जी की कमी, बालों का झड़ना, वजन का घटना, बच्चों में विकास की कमी, घाव का धीरे धीरे बढ़ना, यहाँ तक कि पुरुष और लड़के भी नपुंसकता का अनुभव कर सकते हैं, जो तब होता है जब पुरुष का शरीर पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन नहीं कर पाता। अगला सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि इंडिया में इतने सारे लोगों में जिंक की कमी क्यों है। इसका प्रथम कारण है फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो चावल और अन्य अनाज, कच्चे नट्स जैसे कि कच्चे बादाम और कच्चे अखरोट में पाया जाता है। क्योंकि हमारे भारत में इसका अत्यधिक ग्रहण किया जाता है, इसमें मौजूद फाइटिक एसिड हमारे शरीर में उपस्थित जिंक से जुड़ जाता है और हमारे शरीर को पर्याप्त जिंक नहीं मिल पाता। इसके अलावा अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको भोजन में पर्याप्त जिंक नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा शरीर जिंक के नॉन एनिमल स्रोतों को ठीक से उपलब्ध नहीं कर पाता। अब समस्या ये उठी है तो इस कठिनाई का सामना कैसे किया जाए। सबसे पहले जिंक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन को बढ़ाने की कोशिश करें, जैसे कि ऑयस्टर्स, क्रैब्स, पीज, दही, मूंगफली इत्यादि। इसके अलावा टैबलेट के रूप में जिंक सप्लीमेंट्स भी उपलब्ध है, पर ध्यान रखें कि जिंक की RDA यानी कि रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस पुरुषों के लिए 11 मिलीग्राम प्रतिदिन है और महिलाओं के लिए 8 मिलीग्राम प्रतिदिन है। इससे बहुत ज्यादा जिंक का सेवन भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और विज्ञान से संबंधित चीजों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद। It's caught in the crossfire.